नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों, सरसों की खली सबसे अच्छी खाद है। कोई भी तरह का पौधा है, फूल का, फल का, सब्जी का पौधा हो, सरसों की खली आपको कोई भी नर्सरी की दुकान में मिल जाएगी, या फिर फॉडर शॉप हो, या गाय की, भैंस की, मवेशी की दुकान हो, उस तरह की जो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। इस तरह की सरसों की खली करीब 30-40 रुपये किलो में बिकती है। सरसों को पिसो के जब तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो खली पड़ी रहती ये पाउडर फॉर्म है, ये केक फॉर्म में भी मिलती है, ये भी आप ले सकते हैं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इसको पाउडर करके ये बनाया हुआ है। आपको सरसों की खली कैसे देना है, इसका जो इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। सरसों की खली ऐसी एक फर्टिलाइजर है। सरसों की खली में आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, यानी कि NPK की मात्रा होती है 4:1:1। चार भाग इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एक भाग है और पोटासियम एक भाग है। लेकिन इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड है और इसकी से पेप्सिन डाइजेस्टिबिलिटी है ये 80%, यानी कि अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर आप पौधे में देते हैं तो इसमें अमाइनो एसिड का बहुत सारे मात्रा इसको पौधे की मिल जाती है, साथ साथ उसमें फैटी एसिड मिल जाती है और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें भरे पड़े हैं। तो आपको और ये खाद देने के बाद कोई भी खाद आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि इसकी पावर कैसे बढ़ाई जाए, सरसों की खली की इसकी पावर मैं आपको दिखाता हूँ। 10 गुनी पावर इसके बढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको बनाते कैसे। इसको सरसों की खली आप करीब 1 लीटर पानी लेके, 1 लीटर पानी लेके इसमें 50 ग्राम, यहाँ पर 2 लीटर पानी है तो मैं करीब 100 ग्राम इसमें सरसों की खली भिगाऊंगा। अगर आप ये भिगोते हैं, ये भी एक ही तरह से है, और पाउडर लेते हैं एक ही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको 100 ग्राम लेके आपको घोल के, मिट्टी का बर्तन हो तो अच्छा रहता है, मिट्टी के बर्तन में इसको इस तरह से आप घोल के रख दें। इसको हमको फॉर्मेट करना है 3 दिन। 3 दिन बाद सरसों की खली को, ये तो आपको 100 ग्राम लिया हमने 2 लीटर पानी में, यानी कि तो आपको 20 लीटर पानी इसमें टोटल डालेंगे। तो ये 2 लीटर पानी है, इसको हम बाद में 18 लीटर पानी डाल के, बाल्टी में पानी डाल के इसको पतला करके 3 दिन बाद आप डाल सकते हैं, 3 से 4 या फिर मैक्सिमम 7 दिन तक आप इसको डाल सकते हैं। और ये बहुत पतला होता है और इसका जो खूबी है बहुत ज़्यादा खूबी है। तो आप जब 3 दिन बाद जब आप डालेंगे तो इस तरह की, आप इस तरह से देखिए हमने पतला करके रखा है इस तरह का, और ये डालेंगे कैसे, आप एक एक पौधा मानिए। ये जो बनाया हुआ है हमारा बहुत पतला करके बनाया हुआ, ये आपको डालेंगे करीब 100 ml, एक एक पौधे में आप 100 ml डालेंगे। पत्ते में नहीं गिरना चाहिए, पत्ते में गिरेंगे तो फंगस लग जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें स्प्रे करना ज़रूरी है कि नहीं, स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल स्प्रे नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल मिट्टी में डालना है। ये देखिए उसके पहले दिन आप पानी नहीं दें और उसके बाद आप 100 ml करके डाल दें, 15 दिन तक आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा नॉर्मल सरसों की खली, यानी कि 50 ग्राम से आप 10 लीटर पानी बना सकते हैं। लेकिन सरसों की खली का पावर 10 गुना कैसे बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो हमने भिगोया है, करीब आप लीजिए, ये देखिए, ये मैंने 4 दिन भिगोया है सरसों की खली। इसको हम अब क्या करेंगे, ये 4 दिन हमने ये सरसों की खली भिगोया है, ये देखिए ये गाढ़ा द्रवण है, इसको हम लेके, ये देखिए आधा लीटर करीब लेके हम इसमें करीब 12-14 लीटर पानी है, 14-15 लीटर इसमें हमने डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 दिन बाद इसमें हम DAP डालेंगे, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये देखिए कितना डालेंगे डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये करीब 10 लीटर पानी में आप डालेंगे करीब 2 चम्मच, यानी कि 10 से 15 ग्राम ये देखिए डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 18:46, यानी कि नाइट्रोजन इसमें 18 भाग है और 46 भाग इसमें फॉस्फोरस है, तो बहुत ज़्यादा पौधे के विकास करेगी। लेकिन ये घुलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप अगर कल देना है तो 24 घंटा पहले आपको इसको भिगो देना है, नहीं तो क्या होगा, नीचे जो है दाने की मात्रा में रह जाएगी तो आपका कोई काम नहीं आएगा। इसको आपको 24 घंटा भिगो देना है। 24 घंटा भिगोने के बाद जब देखते हैं ऐसा हो गया, अब आप इसको ले कर एक एक पौधे में आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, पौधे की विकास 4 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको इसका पावर करीब 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा और पौधे की विकास आपको 4 गुना फास्ट दिखेगी, आपको बहुत तेज़ी से आपका ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि इसमें हमने
एनपीके की मात्रा जहाँ 4:1:1 है वहाँ पर 18:46 ऐड कर दिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलेगा और फॉस्फोरस भी मिलेगा, उससे पत्ते और जो टहनिया का विकास होगा उसके साथ रूट का भी विकास होगा। ये तो हमने दे दिया 10 दिन 15 दिन बाद। इस 10 दिन 15 दिन बाद और एक चीज़ आप डालें इसमें, ये नया सिरे से बनाएं, फिर से आप लिक्विड बनाएं, इसमें से गाढ़ा लेके पानी में डाल के इसमें बनाएं। बनाने के बाद जिस दिन डालेंगे उसके पहले आप डालेंगे 4 चम्मच डालेंगे इसमें, 10 लीटर में 4 चम्मच डालेंगे, 10:26:26 एनपीके सुफोला 10:26:26 4 चम्मच हम डालेंगे। ये जल्दी घुल जाता है लेकिन फिर भी आप 24 घंटा इसमें मिलो के रखें 4 चम्मच 10:26:26 एनपीके 10:26:26 इसको घोल लें। घोलने के बाद इसमें देखिएगा आपका जो विकास होगा, इसका जो ग्रोथ होगा, ये 10 गुना ग्रोथ होगा और इसमें जो है हर एक में देखिएगा आपके जो कलियाँ आनी शुरू हो जाएगी, आपकी कलियाँ आएगी और बहुत ज़्यादा कलियाँ आएगी और कलियाँ की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी होगी और फूल जो होगा वो काफ़ी बड़ा फूल होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप डाल देते हैं इसमें, मैं आपको डाल देता हूँ। ये 15 दिन बाद डालेंगे, पहले हमने DAP वाला डाल दिया और 15 दिन बाद हम इसमें ये NPK 10:26:26 वाला डाला। तो ये इतना आप करिए तो इससे क्या होगा, आपका जो सरसों की खली का खाद है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि सरसों की खली का खाद नहीं हो रहा है, आपको कोई भी विटामिन प्रोटीन जो PGR है कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इतना सा डालिए और देखिए क्या खूबी आती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।